हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आपको पता ही, हर हफ्ते मैं एक बढ़िया वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, जिसमें बुक्स की बात करते हैं, बुक्स और ग्रेट लीडर्स की बात करते हैं। तो ये 3-4 वीडियोस आप देख चुके हैं, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। मुझे बहुत से लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि सर आपकी वजह से हमने बुक्स पढ़नी शुरू करी है। और जो जो मैं बुक्स रिकमेंड करता हूँ, जिन लीडर्स की मैं बात करता हूँ, वो प्रचलित होते जा रहे हैं और लोग उनको पढ़ते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं थोड़ा अलग किस्म के लीडर की बात करूंगा। हाँ, हम बात कर चुके हैं फ्रीडम फाइटर्स की, स्पिरिचुअल लीडर्स की, लेकिन आज बात करूंगा मिलिट्री लीडर की। यस, वी विल टॉक अबाउट द फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टिल डेट। तो जिस मिलिट्री लीडर की मैं आज बात करूंगा, वो है फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, मिलिट्री क्रॉस। ठीक है, उनकी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। फौजियों के लिए तो है ही है, हमने तो बहुत पढ़ा है उनके बारे में। मैं तो उन लोग लकी लोगों से हूँ जो वेलिंगटन में रहा हूँ, और मैंने कई बार मानेकशॉ साहब को सुना है, देखा है, नज़दीक से मिले हैं उनसे। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो है, अगर मैं उनकी ज़िंदगी का आपको ब्यौरा दूँ तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। पहली बात तो उनके फादर जो है डॉक्टर थे, और वो वलसाड गुजरात के रहने वाले थे। इसका मतलब मानेकशॉ थे पारसी, लेकिन वो गुजराती थे, उनकी मदर टंग गुजराती थी। उनके फादर डॉक्टर थे, और उनके फादर ने डिसाइड किया कि जो है गुजरात से शिफ्ट करने का बॉम्बे, और बॉम्बे से उन्होंने सोचा चलो हम अमृतसर लाहौर जाते हैं। और वहां पर उनके कोई दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम लाहौर में आके प्रैक्टिस करो अपनी मेडिसिन की। तो उनके फादर जो है 1914 की बात है, बॉम्बे से ट्रेन पकड़ के लाहौर जा रहे थे। जब ट्रेन अमृतसर में रुकी, तो उन दिनों ना ट्रेन कई कई घंटे रुकती थी, तो इनकी मदर को जो है, सैम मानेकशॉ की मदर को जो है लेबर पेन शुरू हुए, और स्टेशन मास्टर के पास उनके फादर गए कि मेरी वाइफ को देखिए आप। तो उन्होंने कहा कि आप आगे मत जाएं, अभी लाहौर तक ये जर्नी नहीं कर सकती, आप यहीं उतर जाएं। तो इस फादर एंड मदर गॉट डाउन इन अमृतसर, और उनको अमृतसर इतना पसंद आ गया कि सैम मानेकशॉ वॉज बॉर्न इन अमृतसर। बहुत कम लोग जानते हैं कि सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, वो अमृतसर में पैदा हुए थे जो है, और अमृतसर में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा ली, वहीं पर उन्होंने कॉलेज किया। बीच में शेरवुड कॉलेज नैनीताल गए वो स्कूल करने के लिए, लेकिन जो उन्होंने अपना डिग्री की वो हिंदू कॉलेज अमृतसर से की। तो पंजाबी अच्छे से जानते थे, उसके अलावा गुजराती उनकी मातृभाषा थी, और फौज में रहते हुए उन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और पश्तो का भी टेस्ट पास किया था। तो अब सैम मानेकशॉ के ऊपर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब कुकू FM के ऊपर है। आप कृपया करके इस बुक को जरूर, ये ऑडियो बुक है, आप इसको सुने, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं सैम मानेकशॉ के जिंदगी के बारे में। कुकू FM मैंने बताया आपको, मेड इंडिया ऐप है और जबरदस्त ऐप है, और मैं तो बुक्स का कायल हूं, और इसमें जो है ये ऐप आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 399 रुपीज का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है, अगर आप ये वाला कोड यूज करें, मेरा कोड यूज करें, तो आपको पूरे साल के लिए 199 रुपीज में, 199 रुपीज में क्या मिलता है आज के दिन, और आपको एक साल का पूरा ज्ञान का भंडार मिल रहा है। इसमें लाखों किताबें हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं, देश की तमाम भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर इसमें बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स जो है माइथोलॉजी पे हैं, हिस्ट्री पे हैं, बॉलीवुड पे हैं, कल्चर पे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मिलिट्री लीडर्स पे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स पे हैं, आप नाम लो और किताब जो है इस पे अवेलेबल है। और नरेशन बहुत जबरदस्त है कुकू FM के ऑडियो बुक्स का। तो जो है आप इसको जरूर डाउनलोड करें, और सैम मानेकशॉ की जो किताब है ये वाली, इसको आप जरूर कुकू FM पे सुने, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आते हैं वापस सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर। तो 1931 में उन्होंने अपने फादर को बोला, सैम ने 15-16 साल के थे, कि मेरे को जो है इंग्लैंड जाना है डॉक्टर बनने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे, तुम यहीं पढ़ो, बाद में देखेंगे। तो सैम ने वहीं दाखिला ले लिया अमृतसर में, और फिर उनको जो है थोड़ा रिबेलियस थे, और शुरू से थोड़े नटखट बालक थे, और कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन अखबार में देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया से भी ऑफिसर्स को लिया जाएगा इंडियन आर्मी के अंदर, और ब्रिटिश आर्मी पहला ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल रही है देहरादून में,
जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। यस, जिस अकेडमी से मेरी तरह लाखों लोग ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं। तो सैम मानेकशॉ ने बिना अपने फादर को बताए हुए दिल्ली गए, फॉर्म भरा और इस एग्जाम में बैठ गए, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था 1932 में। तो ही क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम। पूरे देश में शायद 20 बच्चे उन्होंने लिए, उसमें से 6th था ऑर्डर ऑफ मेरिट में नाम सैम मानेकशॉ का। ठीक है, तो ये जिसकी फैमिली में कोई फौज में नहीं था, ये जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी पहुंच के पहले बैच में, जिसको कहते हैं द पायनियर्स, इस बैच ने 3 फील्ड मार्शल दिए, बर्मा की आर्मी के और पाकिस्तान की आर्मी के और इंडियन आर्मी के। और इस बैच में सैम मानेकशॉ पास आउट हुए, इनका नंबर था IC-14, यानी कि 14वें थे मेरिट में ये अपने पहले बैच में। और इनकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये लड़का, ये यंग ऑफिसर, या तो बहुत बड़ा जनरल बनेगा या ये कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि इनकी आदत थी, इनकी फितरत में थी कुछ ना कुछ नया करने की। अब देखो, इनकी कमीशन हुई फ्रंटियर फोर्स यूनिट में, जो कि जिसमें सिख ट्रूप्स भी थे, और वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सिख ट्रूप्स ने सोचा इसको तो कह दिया, उसने पंजाबी शुरू करी और ये फिजिकली बहुत फिट थे, ही वॉज एन एथलीट सैम मानेकशॉ। तो ट्रूप्स ने देखा कि तो बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, तो इनकी जो है उस प्रकार से इनका आदर और सम्मान होना शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लड़ाई करी बर्मा के एरिया में, और बर्मा में एक ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी कंपनी का अटैक पे इन्होंने लीड किया एज ए यंग कैप्टन, उसमें बुरी तरह जख्मी हुए। इनको 7 गोलियां लगी, और गोलियां लगी फेफड़ों में, लिवर में, किडनी में, इनकी इंटेस्टाइन्स को भी काटा गया। और जब इनको, इनका जो ऑर्डली था शेर सिंह, उसने उठा के जब लेके गया मेडिकल एड पोस्ट पे, तो डॉक्टर ने देख के बोला कि इसको, ये बचने लायक नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन शेर सिंह ने कहा नहीं सर, आपने देखना है इसको। तो उन्होंने इसके बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हें कैप्टन। तो सैम मानेकशॉ का जो है विट, ह्यूमर, ही इज नोन फॉर दैट, उन्होंने कहा कोई नहीं, मुझे एक घोड़े ने लात मारी है। तो डॉक्टर इतना इंप्रेस हुआ कि जिस आदमी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, अभी भी वो जो है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो बड़ी ग्रेट क्वालिटी थी सैम मानेकशॉ की। उनकी जो, उनका ऑपरेशन हुआ, 7 गोलियां निकाली गई उनके शरीर से, और इनके जो GOC थे उस टाइम वो देखने आए, और उनको, उन्होंने देखा था इनको ये ऑपरेशन लीड करते हुए अटैक में। तो उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के सैम मानेकशॉ की छाती पे लगा दिया कि मिलिट्री क्रॉस मरने के बाद नहीं मिल सकता, तो ये अभी जी रहा है, इसको अभी मिलिट्री क्रॉस लगा दिया। तो उन्होंने अपना अवार्ड, अपना मेडल निकाल के सैम मानेकशॉ की छाती पे लगाया, एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ ग्रेट फाइटर, तो ही सर्वाइव्ड। अब आते हैं देश की आजादी के आसपास। सैम मानेकशॉ भी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, तब उससे पहले उन्होंने स्टाफ कॉलेज कर लिया। अभी देश की आजादी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ही वॉज इन द मिलिट्री यू नो ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, और पार्टीशन में जो कुछ हो रहा था उसमें, उस प्लानिंग के अंदर सैम मानेकशॉ इन्वॉल्व थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ और कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना और कबायली घुसने शुरू हुए, तो सैम मानेकशॉ 25 तारीख को VP मेनन, जो डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, गए श्रीनगर, और उन्होंने वहाँ जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, सैम मानेकशॉ ने पूरे इलाके का एरियल सर्वे किया, वापस आए, आकर के पंडित नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर को और लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रीफ किया, और अगले दिन इंडियन आर्मी जो है वो फेमस, आपको पता ही है, मैं कवर कर चुका हूँ कई बार, बैटल ऑफ बडगाम, फर्स्ट सिख वॉज फ्लोन इन टू श्रीनगर एंड वी सेव्ड कश्मीर, तो उसमें भी सैम मानेकशॉ का हाथ था। उसके बाद उनको प्रमोशन मिलते गए, लेकिन कमाल की बात क्या है, ये पहले जनरल है जो वहां तक पहुंचे बिना यूनिट को कमांड करे, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ही नेवर कमांडेड अ यूनिट। इनका पोस्टिंग ऑर्डर आ गया था, लेकिन तब तक युद्ध छिड़ गया, उनको बोला कि नहीं सैम, आपकी जरूरत है मिलिट्री ऑपरेशंस में, तो ही स्टेड बैक। बाद में डिव कमांड की, कोर, ये सब कमांड किया। 1969 में ही बिकेम चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एंड उनकी रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ कैसी, आपको पता ही है, ही कॉल्ड हर स्वीटी, एंड ही कुड, ही हैड वन ऑन वन रिलेशंस एज फार एज मिलिट्री ऑपरेशंस वर कंसर्न, इतना कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर को अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। और सैम मानेकशॉ का जो एयर चीफ है, नेवी चीफ है, उनके साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर आप आर्मी को फ्री हैंड देंगे मेरे को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो मैडम प्राइम मिनिस्टर, आई विल गिव यू ईस्ट पाकिस्तान इन 14 डेज। और वही हुआ,
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना उनकी लीडरशिप में, और 93,000 पाकिस्तानी को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, और देश के इतिहास में ये जो है कि 1971 की लड़ाई जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई, उसकी जो है लीडरशिप थी बहादुर श्याम बहादुर मानिकशॉ की। तो ये ऐसे आर्मी चीफ थे। उसके बाद रिटायर हो गए, वेलिंगटन में सेटल हो गए, वो जहाँ हमारा स्टाफ कॉलेज है वहाँ लेक्चर देने जाते थे, और कई साल के बाद गवर्नमेंट ने उनको जो है फील्ड मार्शल बनाया, और जो है लास्ट डेज तक जो है वो ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो उनमें बहुत लीडरशिप की क्वालिटीज थी, ब्रेव तो थे ही थे, सेंस ऑफ ह्यूमर था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, और निडर थे और बहुत ही सच्चे देशभक्त थे। सो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वंडरफुल यू नो वीडियो ऑन लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ, और कुकू एफएम पे ये बुक पढ़ना नहीं भूलना। थैंक यू, जय हिंद। Thank you.